साल से उनके शिव और शक्ति छीन लूंगा मैं, छीन लूंगा मैं, छीन लूंगा मैं। चाहिए देवी, ये क्या महादेव, शक्तिहीन आदि शक्ति को बचाने हेतु महादेव स्वयं युद्ध में उतरे हैं। अभी तो मेरे प्रहार का प्रकोप शेष है। ये पत्नी है मेरी, शिव की शक्ति है, और इन पर हुए हर प्रहार का उत्तर मैं स्वयं दूंगा, मैं स्वयं दूंगा, मैं स्वयं दूंगा। चाहिए देवी, चाहिए नहीं, रोकिए और युद्ध कीजिए मुझसे। नहीं, विवेक से काम लीजिए, आपको हमारे प्रेम की सौगंध है देवी। यदि आज मैं रणभूमि छोड़कर चली गई तो संसार यही कहेगा कि आदि शक्ति युद्ध भूमि में लड़ती नहीं, मुख मोड़ कर भाग जाती है, मुख मोड़ कर भाग जाती है, मुख मोड़ कर भाग जाती है। आज ये युद्ध भूमि या तो महिषासुर के रक्त से लाल होगी या आदिशक्ति के, क्या आदिशक्ति के, क्या आदिशक्ति के। नहीं, अशोक सुंदरी, देवी सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय, प्रकट हो। माँ चलिए, माता कैलाश चलिए, चलिए ना माता, चलिए माता। हाँ देवी, मान जाइए, चलिए हमारे साथ, चलिए। हाँ तू छोड़ दीजिए माता। अब यदि आदि शक्ति यहाँ से जाएगी तो जीवित नहीं, आदि शक्ति का मृत देह ही यहाँ से जाएगा। प्राप्त वरदान के कारण मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, परंतु स्मरण रहे, जब जब तुम्हारा पग मेरी पत्नी के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध उठेगा, तब तब ये शिव तुम्हारा मार्ग रोकने अवश्य आएगा, तुम्हारा मार्ग रोकने अवश्य आएगा, तुम्हारा मार्ग रोकने अवश्य आएगा। आपके मुख से निकली हर बात उचित है महादेव, किंतु
यूं मुंह मोड़ कर जाना उचित नहीं। ये सत्य है कि देवी पार्वती ने आपको सर्प से मुक्त किया, किंतु वो मुझसे युद्ध नहीं जीती और वचन के अनुसार आपको अभी भी मेरा बंदी होना चाहिए। मैं तो अकारण ही आदिशक्ति से डर रहा था, कितनी आसानी से मैंने हरा दिया उन्हें। मुझे बंदी बना के इस श्मशान में खड़े होकर इस तुच्छ सी जीत का दंभ भर रहे हो महिषासुर? देखो इस दूर दूर तक फैली हुई भस्म को, ये सभी अपने अपने अहंकार में चूर थे, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, परंतु सत्य जानकर कुछ ना होने के सत्य में जलकर भस्म हो गए। आप असुर गुरु हैं शुक्राचार्य, तो समझाइए अपने शिष्य को कि यदि इस श्मशान में कुछ बसता है तो वो प्रेम है, सत्य है और कुछ भी नहीं। स्मरण रखना, किसी दिन तुम भी इसी श्मशान के किसी कोने में भस्म बन कर रहोगे, भस्म बन कर रहोगे, भस्म बन कर रहोगे। आज स्वयं को बड़ी बड़ी पदवी दे रहे हो, परंतु ये सब नश्वर है, सत्य है तो वो केवल देह जलाने वाले के बोल हैं, जो देह जलाने के पश्चात आपके लिए बोले जाते हैं। इसलिए उत्सव नहीं, अवसर पर ध्यान दो, स्वयं को सुधरने का अवसर दो, क्योंकि यहां देवी पार्वती सत्य हैं और तुम असत्य हैं। सत्य, सत्य की शक्ति क्षीण अवश्य हो सकती है, परंतु पुनः बल पाकर असत्यता को ध्वस्त कर देती है। मैं सज्ज हूं आपके सत्य की शक्ति को देखने के लिए, वो शक्ति जो आज कुछ नहीं कर पाई, कल उसका बल देखने के लिए। उचित है, सत्य स्वीकारिय देवी, जानता हूं कड़वा है, किंतु सत्य यही है कि इस समय इस परिस्थिति में महिषासुर आपसे अधिक शक्तिशाली है। और दूसरा सत्य यह है कि जिस प्रकार आपने डाकनी के वध का काट ढूंढा, उसी प्रकार आपको महिषासुर के वध का मार्ग भी ढूंढना होगा, मार्ग भी ढूंढना होगा, मार्ग भी ढूंढना होगा। यही विचार तो मुझे खाए जा रहा है नारायण, क्यों महादेव ने मुझे महिषासुर के संहार का काट नहीं बताया? यदि वो मुझे बता देते तो अभी तक उसका संहार कर चुकी होती मैं। वो तो महादेव है ना, उनके पास तो हर समस्या का समाधान है। पिताश्री अब भी महिषासुर के बंदी है। उनके बिना महिषासुर के अंत का आरंभ कौन सुझाएगा? साथ नहीं है तो क्या हुआ? पिताश्री हमारी सहायता अवश्य करेंगे। साक्षात ना सही, पिताश्री संकेत के माध्यम से उत्तर दे ही देंगे। महादेव से संकेत पाने के लिए हमें कल
प्रातःकाल कैलाश में महादेव का रुद्राभिषेक करना होगा, रुद्राभिषेक करना होगा, रुद्राभिषेक करना होगा, रुद्राभिषेक करना होगा। साधारण भक्तों की भांति हमें उनकी पूजा करनी होगी। तो उनका डमरू मैं बजाऊंगा और नृत्य करूंगा, झूम कर उनसे सहायता मांगूंगा, तो वो मुझे मना नहीं करेंगे।